हेलो फ्रेंड। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पिटूनिया के प्लांट पे कैसे ढेर सारे फ्लावर लिए जाए। तो दोस्तों, ये देखिए मेरे कुछ पिटूनिया के प्लांट है। अभी मैंने इन्हें हैंगिंग पोर्ट में लगा रखा है, तो ये अभी मैंने हैंगिंग पोर्ट वहाँ से निकाल के यहाँ रखे हैं ताकि आप सबको वीडियो दिखा सकूँ बना के। तो देखिए मेरे जो पिटूनिया के प्लांट है सब पे अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, तो उसका आपको कुछ राज की बातें बताते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी आपके पिटूनिया के प्लांट पे जो पुराने फूल होते हैं ना, वो जब ड्राई हो जाते हैं तो आप उनको कट कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आपके जो अगर आप ये हटा देंगे तो इस पे नए फ्लावर और आएंगे। दूसरा कारण होता है कि ये जो सीड पॉट है इसमें सीड तैयार होने लगता है। तो दोस्तों, आपको ये काम जब भी करना है जब इसका सीजन ऑफ होने लगे। तो दोस्तों, इसको हमको सनलाइट इसे पूरी देनी है। आप हो सके तो इसे ऐसी जगह रखें जहाँ इसे पूरे दिन की सन मिले, तभी अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। दूसरा एक है कि ये देखिए, एक ऐसा बर्तन ले लीजिए, उसमें आप फर्टिलाइज़र है जो खाद वगैरह है उसको पानी में घोल दें और अपने हैंगिंग पॉट को ऐसे करके एक एक करके उसे उसमें रख दें। उससे क्या होगा, उसकी जड़ों तक पानी अच्छे से मिल जाएगा। तो यही मैं खाद देने का तरीका यूज करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, एक एक करके मैं अपने पोट हर हफ्ते इसमें रखता हूँ, हर हफ्ते इन्हें खाद देनी चाहिए। तो आपके ऐसे ही अगर आप खाद दें तो आपके अच्छे से पिटूनिया के प्लांट चलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।